नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं रोज़ सिरप और उससे बनने वाला मिल्क रोज़। गुलाब का शरबत बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो है शक्कर, 1 किलो के करीब शक्कर है, पानी हम शक्कर 1 किलो लेंगे तो 1 पाव यानी 1/4 लीटर पानी लेंगे, रोज़ एसेंस और रोज़ कलर, ड्राई कलर है, आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। बस इन 4 चीज़ों से ही आपका रोज़ सिरप तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले भगोने में डालेंगे शक्कर, अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी इतना डालिए कि आपकी शक्कर डूब जाए, नहीं तो अननेसेसरली आपको गाढ़ा करने के लिए फालतू में ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, गैस वेस्ट होगा आपका। अब हम इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे, शक्कर इसमें जब तक घुल नहीं जाती तब तक चलाएंगे। शक्कर देखिए पूरी तरह घुल गई है, अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे, कम से कम 2 तार की चाशनी बना लेंगे। मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से इलायची के दाने, जो कि इसमें गुलाब के साथ साथ इलायची की खुशबू मिला देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अभी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, हम इसको बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो बॉटल में भर के रखेंगे तो जम जाएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसमें हम कलर और एसेंस नहीं मिलाएंगे। एकदम ठंडा हो गया है, अब आराम से आप इसको छू सकते हैं, देखिए इतना गाढ़ा है, अच्छे से चिपक रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, आप चाहें तो लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं, और रोज एसेंस। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, कलर अगर कम लगेगा तो थोड़ा और ऐड कर देंगे, हम पहले अच्छे से मिला लेंगे, कलर हम थोड़ा और ऐड करेंगे, काफ़ी कम लग रहा है क्योंकि इसमें पानी और दूध मिलाएंगे तो ये और हल्का हो जाएगा। 1/4 चम्मच पहले हमने और डाला था, 1/4 फिर से डालते हैं, करीब आधा चम्मच डाला है हमने, इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए शरबत बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है, चलिए अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे हम वो आपको बताते हैं। इसके लिए हम एक ऐसा कांच का ग्लास लेंगे, उसको हल्का सा ऐसे सिरप में हल्का सा छुआ देंगे, इसको झटक देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा वो निकल जाए। अब हम इसको शुगर के डिप कर देंगे, वाओ, इस तरह आपका ग्लास रेडी हो गया। अब हम इसमें डालिए शुगर सिरप, दो चम्मच कम से कम शरबत डालना है आपको इसमें, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें संभाल करके डालेंगे आप पानी, अब हम इसमें डालेंगे बर्फ, वाह बहुत ही सुंदर लगने लग गया। लीजिए आपका शरबत तैयार है सर्व करने के लिए, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है वो, आप इसे इस स्ट्रॉ के साथ सर्व कीजिए। तो लीजिए रोज सिरप बनके तैयार है, कर दिया ना इसने रूह अफ़ज़ा को भी मात। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए और बताइए आपका कैसा बना। चलिए अब हम बनाते हैं रोज़ मिल्क, इसके लिए इसी 1 ग्लास ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे ये रोज़ सिरप,
दो चम्मच के करीब हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे दूध, दूध डालने के बाद इस तरह उसका पिंक कलर आ गया है, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें आइस क्यूब डाल देंगे इस तरह, इसको गार्निश कर देंगे इन गुलाब की पंखुड़ियों के साथ और सर्व करेंगे इसे स्ट्रॉ के साथ। तो देखा ना, इस रोज़ सिरप से दो चीज़ें हमने तैयार कर ली, रोज़ शरबत और रोज़ मिल्क। आपको रोज़ मिल्क कैसा लगा कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, बताइए कैसा लगा, कैसा बना आपका। धन्यवाद।